नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जीवन कोश। आजकल खाना बनाने के लिए स्टील एल्यूमिनियम के बर्तनों का यूज किया जाता है क्योंकि ये हैंडी होते हैं और मेंटेन करने में इनको आसानी होती है। इसके अलावा देखने में भी ये खूबसूरत लगते हैं, इसलिए हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम इनको ले लेते हैं। लेकिन आप जानते ही होंगे कि ऐसे खाना जल्दी तो बन जाता है लेकिन खाने के सारे न्यूट्रिएंट्स आधे रह जाते हैं। इसकी जगह अगर मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाए तो ये आपकी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। पुराने समय में मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता था, इसलिए लोग बीमार भी कम पड़ते थे। मगर बदलते समय के साथ लोगों के किचन में मिट्टी के बर्तन कम होते गए और इनकी जगह रिन्यूएबल चीज़ों ने ले ली। ये यूज़ करने में तो आसान है लेकिन आपके शरीर को बहुत नुकसान भी पहुँचाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे मिट्टी के बर्तन में बना खाना आपको फायदा पहुंचाएगा। साथ ही बात करेंगे कि मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करने का सही तरीका आखिर है क्या और इसका रखरखाव कैसे किया जाए। देखिए दोस्तों, आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जिस बर्तन में आप खाना पका रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। बस इस बात का ख्याल रखें कि जब आप मिट्टी के बर्तन को गैस पर चढ़ाएं तो उसके गैस की फ्लेम यानी आंच मध्यम रखें, तेज आंच पर खाना ना बनाएं। चलिए तो पहले तो हम फायदों से शुरुआत करते हैं कि आखिर मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने का क्या फायदा है। मिट्टी के बर्तन में बनी दाल और सब्जी में 100% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जबकि प्रेशर कुकर में बनी दाल और सब्जी के 87% यानी 87% पोषक तत्व एल्यूमिनियम के पोषक तत्वों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। यही कारण है कि अब डॉक्टर्स भी मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने की सलाह देने लगे हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से खाने में आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा भी खूब पाई जाती है, जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होती है। मिट्टी के बर्तनों में होने वाले छोटे छोटे छिद्र यानी छेद आग और नमी को बराबर सर्कुलेट करते हैं, इससे खाने के पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। इनमें तेल का कम इस्तेमाल होता है, खाना स्वादिष्ट तो बनता ही है, साथ ही पौष्टिकता भी बनी रहती है। इनडाइजेशन, गैस और कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर रहती है। मिट्टी के अल्काइन गुण खाने में मौजूद एसिड के साथ प्रक्रिया कर शरीर में पीएच को निष्क्रिय या नियंत्रित करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। जो खाना मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है वो जल्दी खराब नहीं होता। इसकी खास वजह ये है कि खाने को बनने में समय लगता है, जिस वजह से खाना ज्यादा देर तक ताज़ा ही रहता है। खाना पकता है, गलता नहीं। जब आप कुकर में खाना बनाते हैं तो खाना पकता नहीं, गलता है। दरअसल खाना बनाने के लिए उसे हवा का लगना अति आवश्यक है और कुकर में तो हवा लगेगी ही नहीं। मिट्टी के बर्तन या हांडी में आप जो भी पकाएंगे वो धीमे धीमे हवा के साथ पकेगा, जो ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। दूध दही की चीजें मिट्टी के बर्तनों में बनाने से इनका स्वाद दोगुना हो जाता है। कम तेल का इस्तेमाल होता है। मिट्टी के बर्तनों में खाना ज्यादा देर तक गर्म रहता है, इसलिए आपको दोबारा गर्म करने की जरूरत नहीं होती। खाने को बार बार गर्म करने से इसके न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व कम हो जाते हैं। हमारे शरीर को रोज 18 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जो मिट्टी से मिलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि मंदिरों में आज भी मिट्टी के बर्तनों में ही प्रसाद बनाया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे करें मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल। नई मिट्टी के बर्तन पर खाने वाला तेल जैसे सरसों का तेल, रिफाइंड या कोई भी तेल लगाकर बर्तन में 3/4 पानी भरकर रख दें। इसके बाद बर्तन को धीमी आंच पर रखकर ढककर रख दें। 2 से 3 घंटे पकने के बाद इसे उतार लें और ठंडा होने दें। इससे मिट्टी का बर्तन सख्त और मजबूत हो जाएगा, साथ ही इससे बर्तन में कोई रिसाव भी नहीं होगा और मिट्टी की गंध भी चली जाएगी। मिट्टी के बर्तनों को साफ करना भी बेहद आसान है। मिट्टी के बर्तन कैसे धोने हैं इस बात की जानकारी ना होने की वजह से कई बार लोग इन्हें खरीदने से भी गुरेज करते हैं। लेकिन सच मानिए, मिट्टी के बर्तनों को धोना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको किसी केमिकल युक्त साबुन या लिक्विड की जरूरत नहीं होती। आप इन बर्तनों को सिर्फ गर्म पानी की मदद से ही साफ कर सकते हैं। चिकनाई वाले बर्तनों को साफ करने के लिए आप पानी में नींबू निचोड़ कर डाल सकते हैं। अगर आप बर्तनों को रगड़ कर साफ करना चाहते हैं तो इसके लिए नारियल की बाहरी छाल का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये तुरंत साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, सोच क्या रहे हैं, अगर आप भी जीना चाहते हैं एक हेल्दी लाइफ तो ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। देखिए, बहुत ही कम लोग इस बात को मानेंगे,
लेकिन ये बात तो सच ही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर बीमारियों से कोसों दूर रहे और आप लंबी उम्र और अच्छी लाइफ जिए, तो मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने की आदत जल्दी डाल लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसी ही कई और जानकारियां आपके लिए मैं लाती रहूंगी। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।